स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यभट्ट क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितने भी लेटर्स मैंने आपको अभी तक कराए हैं, आपने उनकी जॉइनिंग भी करी होगी। फर्स्ट आप पैटर्न कर रहे होंगे, देन आप उसका लेटर बना रहे होंगे, देन आप जॉइनिंग कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको लेटर सिखा रही हूँ, वो अगर मैं सिक्वेंस वाइज देखूँ तो वो मेरा लेटर नंबर 23 है। इस स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं और मैं आपको 22 लेटर्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज ही मेरा 23 लेटर है एंड क्लास भी ये 23 है। मेरी सारी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सीक्वेंस वाइज उसमें अगर मैं जो भी लेटर सिखा रही हूँ उसकी क्लास नंबर भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप वैसे ही देखिएगा। तो करते हैं हम अपना आज का 23 लेटर। स्टूडेंट्स, मेरा ये लेटर भी लॉन्ग हॉकी से ही बनेगा। देखिए, लॉन्ग हॉकी की प्रैक्टिस आपने बहुत सारे लेटर्स में करी होगी। देखिए, इससे पहले जो मैंने अपना 22 और 21 क्लास में जो मैंने आपको एच और के कराया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ कराई थी कि लॉन्ग हॉकी और पीछे से टर्न होके यहाँ तक आना है। यहाँ तक का पैटर्न की आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आएंगे, यानी कि अपनी फोर्थ लाइन तक आएंगे, अपनी फोर्थ लाइन तक आएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने फोर लाइन में आपको इससे पहले सिर्फ आप एक ही लेटर कराया है और वो लेटर है पी। ये आज स्मॉल लेटर्स में सेकंड लेटर है जो आपकी फोर लाइन में आएगा। इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, जब मैं ये पीछे से कट हो रही हूँ तो अपनी सेकेंड नंबर की लाइन से पहले ही कट हो जाना है। ये देखिए, ये वाली चीज हमारी थोड़ा छोटी बनती है, बहुत बड़ी नहीं बनती है। जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 10 to 15 टाइम्स, ये देखिए, अभी हम पीछे से टर्न हो रहे थे, यहां पर आकर हम आगे तक टर्न होंगे और ये टर्न जो है इसको कट करेंगे अपना, या जो हमारी थर्ड नंबर की लाइन से है, ऊपर से भी ऊपर आकर यहां तक आके रुक जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये लेटर सेम वैसे बन रहा है कि एक बहुत टॉल मैन है और वो देखिए ऐसे खड़ा हुआ है और ये उसका एक हैंड है और ये सेकंड हैंड है। ये लेटर बनता है हमारा एफ। ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ये है उसका फेस। देखिए, फेस छोटा होता है और आगे की तरफ से टर्न होंगे और जो बॉडी होती है वो थोड़ा बड़ी होती है, तो ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, ये वाला स्पेस। और ये देखिए, टू हैंड बन जाएंगे उसके। ये लेटर बना हमारा एफ, ये फेस हो गया और देखिए बॉडी थोड़ा बड़ी होती है तो थोड़ा बड़ी बनाएंगे और ये टू हैंड हो गए। अगर आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो आपका एफ, अधिकतर स्टूडेंट्स एफ बनाने में गलती करते हैं, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, पर एफ की जो प्रॉपर फॉर्मेशन होती है वो ये होती है। ये फेस है, थोड़ा छोटा बनता है और जो बॉडी का पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और ये टू हैंड हो गए। ये लेटर बना एफ। स्टूडेंट्स, आपको आ गया होगा एफ बनाना। अब देखिए, मैं एफ के साथ जॉइनिंग कैसे होगी वो बताती हूँ आपको। देखिए, एफ में हमने ये टू हैंड बनाए थे, हमारा दूसरा हैंड जो है वो हमारा यही खत्म हो जाता है, तो हम इसके साथ एक ही जॉइनिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऊपर से ही कर देंगे जैसे हमने वी और डब्ल्यू में करी थी, सेम वैसे ही। एफ के साथ अगर हमें आई की जॉइनिंग करनी है तो यहीं ऊपर से ही कर देंगे, ये रही आई की जॉइनिंग। एफ के साथ हमें क्यू की जॉइनिंग करनी है, ये है क्यू की जॉइनिंग। एफ के साथ जिस नेक्स्ट जो भी लेटर आएगा वो ऊपर से ही शुरू हो जाएगा। एफ के साथ देखिए के की जॉइनिंग भी ऊपर से ही हो जाएगी। एफ के साथ जे की जॉइनिंग,
के साथ एन की जॉइनिंग। देखिए एन किस तरीके से बनाएंगे। अब इसके साथ मैं आपको टू और थ्री लेटर ज्वाइन करके दिखाती हूँ। एफ के साथ ए को ही ज्वाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट लेटर भी बना लेते हैं। थ्री लेटर्स की ज्वाइनिंग हो गई है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप थ्री लेटर्स से जॉइनिंग कर रहे हैं। देखिए ए एन फैन। अब हम फोर की जॉइनिंग देख लेते हैं, फोर लेटर्स के साथ या फाइव लेटर्स के साथ। एफ एल ओ ए डी। देखिए बीच में भी आ सकते हैं, बीच में किस तरीके से ज्वाइन होगा वो भी देख लीजिए एक बार। मैंने स्टार्टिंग तो आपको बता दी कि स्टार्टिंग में अगर एफ है उसके साथ कोई लेटर ज्वाइन करना है तो कैसे करना है। अब सेंटर में देख लेते हैं, अगर हमें लिखना है आई एफ, देखिए एफ के साथ अगर कोई लेटर ज्वाइन होगा तो वो ऊपर से ही होगा, पर अगर वो कहीं सेंटर में आता है तो जैसे मैंने एफ आई के साथ लिखा है तो आई हमारा नीचे ख़त्म होता है तो नीचे से ही एफ शुरू हो जाएगा, पर अगर एफ के साथ कोई लेटर आता है तो वो ऊपर से ही शुरू हो जाता है। एफ के साथ मैं आपको जी की तो हाँ एफ ओ जी देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले आप पैटर्न देन लेटर देन जॉइनिंग इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद जो मेरे लेटर्स रह जाएंगे वो ओनली थ्री लेटर्स रह जाएंगे, एंड जब मेरे थ्री लेटर्स हो जाएंगे तो सारे ही स्टूडेंट्स फोर लाइंस कॉपी में नहीं लिखते हैं तो मैं उसमें आपको उसके बाद टू लाइंस की कॉपी में भी लिखना बताऊंगी कि उसमें आप किस तरीके से मेजरमेंट रखकर आप उसमें अल्फाबेट कैसे लिखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।